अभी बोलिए ना मैम, टीजर आया है, टीजर आ चुका है, आप लोग ने देखा टीजर? यस यस मैम। तो क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटेड हो क्योंकि गाने इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस हम लोग को इतना प्यार दे रहे हैं, और हम चाहेंगे कि मेरे और एल्विश को के सॉन्ग को आप लोग सब बहुत प्यार दीजिए और ये सॉन्ग सुपर डुपर हिट बनाइए। मैम जैसे कि टोनी शाह हो गया, अभी एल्विश हो गया, फिर अभिषेक के साथ में? बस बस जल्दी उसके साथ भी आएगा। अभी कौन कौन से आने वाले प्रोजेक्ट अभी आपको? अभी बस इसके बाद टी सीरीज के साथ आ रहा है पार्ट का सॉन्ग, मेरा और पार्ट का, वो भी आई थिंक लास्ट पार्ट के सॉन्ग को काफी हाइप क्रिएट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, तो इस पे क्या टेक आपका? हाँ मेरा भी है कि टी सीरीज का जो सॉन्ग है मेरा और पार्ट का, उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है क्योंकि हम आज तक डांस वांस किए, लेकिन उसमें अलग ही आप लोगों को देखने मिलेगा मनीषा रानी, कहीं ना कहीं इमोशनल कैरेक्टर आपका दिख के आ रहा है जो अब तक जो आया है, इमोशनल रोमांटिक प्यारा, मतलब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा न्यू होगा। कितना चैलेंजिंग रहा था? चैलेंजिंग तो था, थोड़ा बहुत नर्वस भी थे क्योंकि कभी एक्टिंग की नहीं थी, लेकिन जब डायरेक्टर ने करवाया कि ये तो सब बहुत अच्छा हुआ। आप देखिएगा आप लोग सॉन्ग तो फिर बताएंगे। अच्छा बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं आप? बिग बॉस 17 17 नहीं कर रहे हैं, काफी फाइट भी हो रहा है, क्या फाइट काफी चालू हो गया अभी से? नहीं देखे भैया, हमने जो इंस्टा पे थोड़ा बहुत आता ना वही देखे। आपका फेवरेट कोई है बिग बॉस में जो? मैंने अभी देखा ही एक दो दिन में, फिर कैसे बना सकते? ठीक है फिर मिलते हैं। ओके ओके थैंक यू। मनीषा जी हनी सिंह का सॉन्ग आया अभी। हाँ अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा, मतलब रिकॉर्ड भी तोड़ा है, ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर है। हां ठीक है भैया बाय। ओके बाय थैंक यू, धन्यवाद। बाबू बता है जाने दो भाई, थैंक यू भाई।